आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ अपनी डील कैंसिल कर दी है। वेल, ये वैसे तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये होना ही था। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को विदड्रॉ कर रहा है। आप ये बहुत बार न्यूज में सुनते होंगे, तो मैंने सोचा कि पूरा इतिहास ही कवर कर देता हूं और आपको एक बहुत ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। वैसे एक एक इशू तो एक एक इवेंट जो हुआ है वो डेफिनेटली मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि ना वो इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कम से कम 11-12 घंटे का लेक्चर, मतलब काफी लेक्चर्स लगेंगे, वो किसी में और दिन बात करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन हम आपको बताएंगे आज कि क्यों ऐसा हो रहा है, अफगानिस्तान में अमेरिका एंटर क्यों हुआ। डेफिनेटली उसामा बिन लादेन की वजह से, उसको लगा उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा है, घुस जाओ यहां पर। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि अब अमेरिका को छोड़ के भागना पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। भारत पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, पाकिस्तान क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सडनली अमेरिका के लिए, वो सारी भी चीजें देखेंगे। और मतलब रशिया और अफगान सोवियत वॉर, इसका क्या इंपैक्ट हुआ था वो भी देखेंगे। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है भैया, एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फंस कौन गया है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के चक्कर में भैया भारत भी फंस गया है, क्योंकि भारत भी तो बहुत कितना भर भर के इन्वेस्टमेंट करता है ना अफगानिस्तान में, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, अभी हम देखेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने अब जो मेरे पास एटलस है उसमें मैंने ये पिक लेके यहाँ पे लगा दी है। अब आप देख लीजिए, आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भारत ये रहा, पाकिस्तान ये रहा, अमेरिका देख लीजिए, सात समंदर पार, ठीक है अमेरिका। तो यहां पे हम देख रहे हैं दोस्तों, अमेरिका इतनी दूर है। अब आप सोचेंगे कि यार अमेरिका इतनी दूर है तो अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, तो देखिए दोस्तों, अमेरिका को यही लगता था कि अरे हम इतनी दूर हैं, हम पे कभी आतंकवादी हमला हो ही नहीं सकता। भारत हाथ जोड़ता रह गया, महाराज देख लीजिए आतंकवादी, देख लीजिए क्या करके रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कश्मीर में इतनी बुरी हालत कर दी है, भैया कुछ तो आप करिए। नहीं, तुम अपना संभालो, लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता था जब तक 9/11 नहीं हुआ, उसको लगता था वो सेफ है। लेकिन भैया पूरा प्लेन लेके चलती फिरती मिसाइल लेके ट्विन टावर में घुस गए थे 2001 में, तब अमेरिका को पता चला कोई सेफ नहीं है। जब उसने अपने 3,000 नागरिकों को खोया, तब उसको पता चला कि कितनी बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, एक समय पे दोस्तों अफगानिस्तान जो है वो बड़ा ताकतवर हुआ करता था, सेंटर ऑफ पावर था भैया, याद है ना। भारत में तो इस्लामिक रूल ही अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गोरी, ये सब अफगानिस्तान से आएंगे। अभी मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूंगा तो एक एक चीज बताता चलूंगा, उसमें सब अफगानिस्तान से आए थे भैया, मुगल्स अफगानिस्तान से आए थे। तो अफगानिस्तान से भारत पे बहुत बार इन्वेजन हुआ है, तभी तो बलबन ने इसको पूरा सिक्योर कर दिया था। मंगोल्स का भी इन्वेजन यहीं से होता था, ये पूरा एरिया जो है सिक्योर कर दिया था ताकि इन्वेजन ना हो सके और भारत सुरक्षित रहे, किले बनवा दिए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान में अमेरिका घुस गया। तो दोस्तों ऐसा है, हम इतिहास में थोड़ा चलते हैं, ये है रशिया, ठीक है। अब यूरोप की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब क्या चाहते थे, सब चाहते थे कि जितना ज्यादा हो सके कोलोनियलिज्म फैले, इंपीरियलिज्म फैले, हम चाहते हैं कि दूसरे देश को अपने कब्जे में ले ले, यही ब्रिटिशर की बिल्कुल सोच थी। अब वो चाहता था कि रशिया को काउंटर करे, रशिया को काउंटर कैसे करेगा, पहले रशिया खाली इतना सा नहीं था, ये सब जितने आपको देख रहे हैं ना, ये पूरा सोवियत था, ये सब रशिया के, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सब रशिया के साथ थे। तो रशिया प्लस मतलब टोटल मिला के 15 कंट्रीज, 14 कंट्रीज, ठीक है। तो ये पूरा 15 देशों का समूह था जिसको सोवियत यूनियन बोला जाता था। 1991 में ये डिजोल्व हो गया, तो पहले बहुत बड़ा था। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि भैया रशिया का इन्फ्लुएंस बड़ा एशिया में बढ़ जाएगा, तो ब्रिटिशर क्या किया, आ जाओ अफगानिस्तान में हम चलेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। ले लिया उसने अपने कब्जे में, जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो सब ब्रिटिश कंट्रोल्ड थे। लेकिन 1926 में जब एक किंगडम को स्टैब्लिश किया, और यहां पे हम देखते हैं कि अफगानिस्तान को एक तरीके से अलग थलग छोड़ दिया गया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा नहीं था, नैम में भी हिस्सा नहीं था, तो यहां पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अफगानिस्तान का जो रोल है वो इतना बड़ा नहीं था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे दिक्कतें शुरू होने लगी। अब 1960s 1970s का ऐसा एरा था कि सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देशों में तख्तापलट हो रहा था, अफगानिस्तान में भी यही हुआ। 1973 से पूरी तरीके से कहानी बदल गई,
जब यहां पे दोस्तों एक भयंकर तरीके से तख्ता पलट किया गया। किसने किया यहां पे? यहां पे जो तख्ता पलट करने वाला था, मोहम्मद दाऊद खान, ब्लडलेस कू था हरा की, ठीक है, ऐसा नहीं, इसमें खून नहीं बहा था। अपने कजन को उसने, जाहिर शाह को हटा दिया कि बेटा निकल जाओ, अब से हम रूल बनेंगे, हम रूल करेंगे। तो 1973 में अफगानिस्तान को एक रिपब्लिक बना दिया गया। सोवियत का हमेशा से ही अफगानिस्तान पे कंट्रोल मतलब था, वहां पे अच्छा खासा। अब जब उसने, उसको लगा कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया है, 1978 में एक और तख्ता पलट हो जाता है। यहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, नाम डेमोक्रेटिक पार्टी था लेकिन पूरी बैकिंग थी रशिया की, सोवियत की। तो हम यहां पे देखते हैं 1978 में जो तख्ता पलट हुआ, वहां से चीजें बिल्कुल ही बिगड़ गई, क्योंकि उसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गया। यहां पे जो इसके अगेंस्ट थे, इस पॉलिटिकल कू के अगेंस्ट थे, तख्ता पलट कभी भी किसी को पसंद नहीं आता है, लोग चाहते हैं कि चुनी हुई सरकारें आएं। 1973 में रिपब्लिक हो गया, लेकिन 1978 में तख्ता पलट, हिम्मत कैसे हुई? सोवियत की हिम्मत कैसे हुई हमारे देश में आने की? यहां पे स्टूडेंट्स खड़े हो गए, मुजाहिदीन बोला जाने लगा उनको। उसके बाद बहुत सारे ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स एक्टिव हो गए, और ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गया, जिस पीरियड को हम बोलते हैं 1979 से लेकर 1989 सोवियत अफगान वॉर। यहां पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको सोवियत की बैकिंग थी, देखिए कितनी बढ़िया पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी प्लस सोवियत, क्या बात है। तो यहां पे 10 साल तक दोनों आपस में भिड़े रहे। अफगानिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप्स एक्टिव हो गए, यहां पे आतंकवादी पनपने लगे, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान का तालिबान को बहुत तगड़ा सपोर्ट था, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें दोस्तों होने लगी। अब यहां पे हम देखते हैं कि 1989, 10 साल में सोवियत को यह समझ में आ गया कि हमसे ना हो पाएगा, हम यहां जीत नहीं सकते। यही अमेरिका को इस समय समझ में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान पहाड़ी एरिया है, हिंदू कुश है, वहां पे कहां से आप जीत पाएंगे? बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान को जीतना, तो नहीं जीत सकते। सोवियत ने 1989 तक को समझ में आ गया था, उसने अपने सारे सैनिकों को वापस बुला लिया, छोड़ दो इसे। 1989 के बाद ये सब 1979 से कंडीशन खराब हुई। 1989 के बाद सिविल वॉर हो जाता है, और यहीं पे ही तालिबान आ जाते हैं। तालिबान, जिसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की बैकिंग थी, ट्रेनिंग देता था पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है एक तरीके से। अगर हम देखें तालिबान जो है वो पाकिस्तानियों के कंट्रोल में है, तभी तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट मिले उन्हें। तो यहां पे जब सिविल वॉर होता है 1989 से लेकर 1996 तक, इसमें तालिबान जीत जाता है। 1996 से लेकर 2001 पूरी तरीके से तालिबान का रूल, शरिया कानून बहुत ही एक्सट्रीम, ये जो होते हैं काफी खतरनाक प्रिंसिपल है अगर हम देखें तो यहां पे ये शरिया कानून और तालिबान का पूरा, जितने भी राइट्स थे, कोई फ्रीडम नहीं, सारे राइट्स छीन लिए गए, बहुत दिक्कत हो गई थी अफगानिस्तान में। यहीं से ही सब गड़बड़ झाला शुरू होता है। अरे भैया, देश चले गए, सोवियत चला गया, सब चले गए, लेकिन किसको छोड़ गए? वहां पे मुजाहिदीन को छोड़ गए, आतंकियों को छोड़ गए। अब दूसरा एंगल सामने आता है, ये तो हुई एक पहलू की बात। दूसरी चीज, इसमें अमेरिका का अभी तक क्या रोल है? जहां सोवियत घुसेगा वहां अमेरिका भी घुसेगा। तो 1979 से लेकर 1989 जब यहां पे सोवियत और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो मिलके इन आतंकियों से, ग्रुप से लड़ रहे थे, इन ग्रुप्स को, इन मुजाहिदीन को कौन ट्रेनिंग दे रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था? अमेरिका। अमेरिका का पूरा सपोर्ट था कि लड़ो लड़ो जितना हो सके। तो एक तरीके से तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया है, अगर हम इतिहास को देखें तो। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो बोगे वही पाओगे। अब यहां पे आतंकवाद पनपने लगा, और यहीं से ही एक तरीके से आतंकवादियों की शुरुआत हुई, ठीक है ना? आतंकवाद जब पनपा यहां पे तो अमेरिका को ही भारी पड़ गया। अब भैया अलकायदा यहां पे पूरी तरीके से एक्टिव, एक जबरदस्त ग्रुप उसने बना लिया था। 1993 में उसने अटैक कर दिया, 1998 में उसने अटैक कर दिया, अमेरिका की बात करें। उसके बाद जब 2001 में अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर पे अटैक किया, पूरा प्लेन लेके घुस गया वो, उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे।
अब यहां पे 11 सितंबर जो कि 9/11 है, 9 सितंबर 2001 को जब अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान तो नहीं, यानी कि अलकायदा के उसामा बिन लादेन, जो है वो अटैक करता है, मूड खराब हो गया अमेरिका का, 3,000 लोगों की जाने गई। अमेरिका ने बोला कि अब हम छोड़ेंगे नहीं अफगानिस्तान को ऐसी की तैसी, ओसामा छुपा है अफगानिस्तान में, इन्वेड कर दो पूरे अफगानिस्तान को, समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट थे। तो हुआ क्या दोस्तों, अफगानिस्तान से ये बोला कि तुम्हारे पास है ओसामा बिन लादेन, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको हवाले, उसको हमारे हवाले कर दो, हम तुमको छोड़ देंगे। तालिबान ने बोला बोलते रहो बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो, प्रूफ करो, कि ओसामा बिन लादेन, हमारा ओसामा भाई जो है वो हमले में इन्वॉल्व था, ये प्रूफ करो, जब तक प्रूफ नहीं करोगे निकल जाओ यहां से। मूड खराब हो गया अमेरिका का। अगले ही महीने अक्टूबर 2001 में उसने पूरी तरीके से अपनी फौजों को भेजना शुरू कर दिया। अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तो यही पॉलिसी थी कि जितना हो सके, जितनी अंदर तक जा सके सेना, उसको भेज दो, ये पॉलिसी थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। बहुत दिक्कत वाली उनकी पॉलिसी थी, पूरी दुनिया में पलीता सुलगाते रहते थे, जहां पे भी उनको जगह मिलती थी आग लगा के भाग लेते थे। उसका खामियाजा जो है अमेरिका इस समय भुगत रहा है, और साथ साथ भारत भी भुगत रहा है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हुआ क्या, कि यहां पे इन्वेजन चालू कर दिया, जिसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बोला गया। 7 अक्टूबर को यहां पे अमेरिका की सेना ने धावा बोल दिया, हम ओसामा बिन लादेन को पकड़ के आएंगे। ये काफी साल तक हंट रही, लेकिन भैया 2011 में ओसामा बिन लादेन कहां मिले, पाकिस्तान के एबटाबाद में, वो तो वहां पे थे, आराम फरमा रहे थे। और वहां पे फिर इतने साल जो टाइम वेस्ट किए और इतने पैसे वेस्ट किए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर, इससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं। हासिल क्या हुआ, हासिल ये हुआ कि एक तो उनकी आर्मी वहां पे फंस गई, लेकिन हाँ एक चीज बहुत, यहां पे एक चीज बहुत बढ़िया हुई थी कि 2008 तक, ठीक है, मतलब 2008, 2009, 2010 तक जो आतंकवादी संगठन थे उस पे पूरा कंट्रोल कर लिया था अमेरिका ने। अलकायदा के जितने भी सेंटर्स थे, जो लॉन्च पैड्स थे, उनको खत्म कर दिया था। ये बहुत बढ़िया हुई, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। 2007, 2008 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जैसा कि मैंने, उनको जहां जगह मिलती वहां घुस जाते थे, वो इराक में इन्वेड कर दिया, सद्दाम हुसैन को पकड़ के लेके आओ, इल्जाम ये लगाया कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, या कुछ ऐसा इराक बना रहा है जो हमारे लिए बहुत खतरा होगा, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा होगा। 2001 से लेकर 2008 तक ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ठीक चला, इतनी दिक्कत नहीं थी अमेरिका को, लेकिन जैसे ही इराक को इन्वेड किया, अब सद्दाम हुसैन को जब फांसी पे लटकाया ना दोस्तों, ये ठीक है सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा डिक्टेटर था, 1965 से सक्रिय था वो पूरा इराक में, बहुत खतरनाक उसका रूल था, लेकिन जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज थी, ज्यादातर 90% ने, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, आप सद्दाम हुसैन को फांसी मत दीजिए, हर कोई ये बोलता रहा, इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे, माना नहीं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसने फांसी दे दी। वहां के बहुत सारे लोग सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करते थे, कुछ आतंकी संगठन भी थे, बहुत दिक्कत हो गई, इस्लामिक कंट्रीज भी कुछ सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करती थी, वो सब अमेरिका से गुस्सा हो गई, और ज्यादा सक्रिय हो गए आतंकी यहां पे, तालिबान के पास और ज्यादा उनका मूड खराब, फंडिंग और ज्यादा होने लगी, सपोर्ट और ज्यादा होने लगा। अब उसके बाद यहां पे अमेरिका की बैंड बजनी शुरू हुई। अब अमेरिका ने यहां तो उसको लगा कि ठीक है हमारे सारी चीजें कंट्रोल में है, लेकिन धीमे धीमे चीजें हाथ से फिसलना तब शुरू हो गई जब तालिबान अटैकिंग मोड पे आ गया। अभी तक तो डिफेंसिंग मोड पे था, अब वो अटैकिंग मोड पे आ गया, एक के बाद एक उसने हमले चालू कर दिए यहां पे, जिसमें बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स मारे जाने लगे। और 2014 तक ही अमेरिका को भी समझ में आ गया था कि अब हमको यहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों हुआ क्या कि देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका की अप्रोच रही क्या। सबसे पहले तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि 2001 से लेकर 2009 तक प्रेसिडेंट थे, फिर 2009 से 2017 जब बराक ओबामा आए, बराक ओबामा ने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन जो की थी उसमें यही बोला था कि हम सेना को बाहर निकाल लेंगे। देखिए कंसेप्ट समझिए, वहां पे लोग टैक्स देते हैं, अभी तक 760 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं, बिना बात के कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लोगों का वहां पे बहुत भयंकर तरीके से गुस्सा है, वहां के लोगों का बहुत मूड खराब है कि हमारे पैसे तुम देश में नहीं लगा के दूसरे देश में लगा रहे हो, हमको क्या लेना देना, हमको भी बर्बाद कर रहे हो, उनको भी बर्बाद कर रहे हो, अरे भैया वापस आ जाओ।
और यहां पे दोस्तों जब लाशें आती हैं ना, आर्मी वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना, जब अमेरिका में लाशें आती हैं और जब एक परिवार का इंसान जाता है ना, इतने आंसू निकलते हैं और इतना गुस्सा निकलता है सरकार के ऊपर। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बहुत भारी खूब खरी खरी सुनाई यहां पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, बराक ओबामा का इसीलिए जीते, बहुत वो इस बात पे बिल्कुल फोकस किए हुए थे कि हमको अमेरिकी सेना को बाहर निकालना है। यही एग्जैक्टली वियतनाम वॉर में भी हुआ था, जब वियतनाम वॉर भी तो हार गया था अमेरिका, वियतनाम वॉर जब हारा था तो यहां पे पूरी जो कैंपेन थी रिचर्ड निक्सन की वो क्या थी, हम सेना को बाहर निकाल लेंगे। रिचर्ड निक्सन 2 बार जीत गए। बराक ओबामा ने कहा हम सेना को बाहर निकाल लेंगे, वो भी जीत गए। बराक ओबामा से गलती क्या हो गई, बराक ओबामा ने ये बोल दिया कि हम 2014 तक सारी सेना को बाहर निकाल लेंगे। अब जब ये चीज हुई तो वहां पे तालिबान, अब देखिए आपने डेट दे दी, अब मान लीजिए आपको कोई डेट दे दे रहा है, बोल रहा है कि हम इतने समय पे चले जाएंगे और वो आप पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, आप क्या बोलेंगे, ठीक है अभी मुझे शांत रहना है, जैसे ही ये जाएगा मैं फिर एक्टिव हो जाऊंगा। तो यहां पे जो तालिबानी, एक तो उनको संभलने का मौका मिल गया, डिफेंसिव अप्रोच में आ गए, लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, एक अलग ही अप्रोच चालू हो गया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को खत्म करके दूसरा ऑपरेशन बराक ओबामा में चला दिया, उसका नाम था ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल। और बुरी हालत हो गई। अब और बुरी हालत इसलिए हो गई कि वहां पे इन्होंने बोला था कि हम पूरी सेना को निकाल लेंगे, लेकिन सेना निकल कहाँ रही है, डेफिनेटली एक साथ तो नहीं निकाल सकते, जैसे मान लीजिए कि इस समय अगर 7-17 हजार ट्रूप्स हैं तो एक टाइम पे 1 हजार, फिर 3 हजार, फिर 4, ऐसे फेज में होता है, ऐसे एकदम से निकालेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बराक ओबामा को भी ये समझ में आ गया कि हम एकदम से सेना को नहीं निकाल सकते वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तालिबानी ग्रुप्स वहां पे एक्टिव हैं। बराक ओबामा का समय खत्म हुआ। अब अभी करेंट कंडीशन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का समय आ गया 2017। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि हम एकदम से सेना को नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्यों नहीं निकाल सकते। 2001 से लेकर 2019 तक दोस्तों तालिबान काफी ताकतवर हो चुका है, इस समय बहुत ताकत आ गई है तालिबान के पास। अगर हम एकदम से सेना को निकाल लेंगे, एकदम सारी सेना चली जाएगी, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे, आतंकी संगठन है, तो क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं, फिर अफगानिस्तान का कंट्रोल भी उनके हाथ से पूरा चला जाएगा अमेरिका के हाथ से, वो चीज ये नहीं कर सकते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाएगा, क्यों, अरे जितने भी तालिबानी हैं, तालिबानी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली ये चाहेंगे बेटा सब आप कश्मीर की तरफ निकलो, तो जब कश्मीर की तरफ जितने भी आतंकवादी आएंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से नहीं निकालेंगे, धीमे धीमे करके निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का वादा था, पब्लिक ने इनको इस बात के लिए काफी ज्यादा पसंद किया, ठीक है बहुत अच्छा है, और यहां पे निकालने का काम अब शुरू भी हो चुका है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील साइन कर ली, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप को यह लग गया था कि जो तालिबानी है ये अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे जब हमारी सेना जाएगी छोड़ के, क्योंकि देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट भी था यहां पे, क्योंकि भैया अफगानिस्तान में भर भर के मिनरल्स मिलते हैं, आप ऐसे ही थोड़ी ना कोई देश इतने सालों तक, इनको ये लगा था डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा, वैसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं, लेकिन अमेरिका को ये लगा था कि एक बार हम अफगानिस्तान में जीत गए फिर हम अपनी इंडस्ट्रीज को वहां भेजेंगे, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहां पे कॉपर मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, लिथियम मिलता है, ऑयल रिजर्व्स हैं, वो सब हमारे हो जाएंगे, बढ़िया है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उनके खाली तालिबानी हो गए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है हम एक डील साइन करते हैं, हम फेज मैनर में हम अपनी सेना को निकालेंगे और आपको कंट्रोल दे के चले जाएंगे, आप आराम से रूल करिएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गई यहां पे दोस्तों, दिक्कत ये हो गई है कि तालिबान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसी साल जनवरी से बहुत सारे अटैक उन्होंने चालू कर दिए, हाल ही में अभी अटैक हुआ वहां पे 11 लोगों की जान गई। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि अगर मैंने इस डील को खत्म नहीं किया और अगर मैंने पूरा का पूरा कंट्रोल इनको दे दिया तो ये लोग बेड़ा गर्क कर देंगे, ये खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ये पूरे कैसे संभालेंगे एक नेशन को, अफगानिस्तान में जो सरकारी कंट्रोल एरिया है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया है, जो प्रेसिडेंट अशरफ गानी, उनको भी मारपीट के बराबर कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को बिल्कुल खारिज कर दिया है कि हम अफगानिस्तान का कंट्रोल आपको नहीं दे सकते और अमेरिका की सेना अभी कुछ वक्त तक वहां पे रहेगी। अब आगे क्या होगा वो हमको देखना होगा, क्योंकि
कि इसका आगे का खाका या आगे का ड्राफ्ट कैसे यहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से वो तैयार होता है, लेकिन डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत बढ़िया खबर है क्योंकि जब तक अमेरिका की सेना वहां रहेगी तब तक एक डर बना रहेगा। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला था, और जो कि सही भी बोला था एक तरीके से, कि अगर वो चाहे, देखिए दोस्तों, जिस भी देश के पास हथियार होगा वो कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बॉम्ब गिरा दो, लेकिन कितने लोग मारे जाएंगे, तो ये नहीं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो फिर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये पूरी डील को खारिज कर दिया है, और इसीलिए अमेरिका अपने जो ट्रूप्स है $60 बिलियन इन्वेस्ट करके उसको ठेंगा हासिल हुआ है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का इसमें रोल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान अगर तालिबान को डेफिनेटली वो टेबल पे ले आया और अगर ये डील हो जाती तो यहां पे पाकिस्तान को बहुत पैसे मिलते, पाकिस्तान अमेरिका का फेवरेट हो जाता, लेकिन पाकिस्तान ये डील करवा ही नहीं पाया। भैया आतंकवादी जो है ना, अगर किसी को भी लगता है कि वो मतलब एक ऐसी विचारधारा को पाल रहा है जो कि बड़ी हिंसक है, और ऐसे लोगों को पाल रहा है जो कि बड़े हिंसात्मक हैं, जो कि वॉयलेंस का यूज करते हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि मार दो सबको, उसको अगर लग रहा है कि उसके कंट्रोल में रहेंगे, तो ये सरासर उसकी गलतफहमी है। देख रहे हैं पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं, अफगानिस्तान में जो आतंकी है वो उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है। इधर अमेरिका, इधर तालिबान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है ये डील हो जाए, लेकिन जो आतंकी है कभी इधर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, कभी उधर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। अब इसमें एक सवाल और आता है, आइसिस का क्या रोल है? आइसिस का कोई रोल नहीं है, आइसिस एक बिल्कुल ही अलग है। वो 2010 के बाद आया, 2010 में जब अरब स्प्रिंग हुआ था, तुनिशिया में रातों रात रेवोल्यूशन आ गया था, उसके बाद आइसिस का उदय हुआ जब अरब और उनका पूरी जो छोटी सी दुनिया थी वो बिखर गई, ठीक है, वो अलग है। आइसिस का इतना ज्यादा यहाँ पे हमको, यहाँ पे मेन तालिबान का कंट्रोल है, ठीक है ना। ये देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा मैप है, मैं अल जजीरा की साइट से लेके आया हूँ। वैसे मैं इनकी कवर स्टोरी भी सुन रहा था, बहुत ही अच्छे से इन्होंने कवर किया है, और देख रहा था, पढ़ रहा था कि क्या डायनेमिक्स है। जरूर आर्टिकल्स पढ़ते रहा करिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, जो डार्क ब्लू में है वो तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज है, और ये जो ये कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है, जो लाइट ये कंटेस्टेड एरियाज है, ठीक है, और जो व्हाइट में है ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया है, ठीक है, अशरफ गनी जो है वो प्रेसिडेंट है। अब 14,000 तो अमेरिका के ट्रूप्स हैं, 17,000 नेटो जो अमेरिका का ही है, मतलब पूरा डोमिनेंस अमेरिका का ही है बेसिकली, तो नेटो एलाइज जो है जिसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है उनके 17,000 ट्रूप्स हैं, और अभी इस समय अफगानिस्तान में इतने सारे लोग अफगानिस्तान में हैं, और अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 3.5 करोड़, 56% डिस्ट्रिक्ट वो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में है, ठीक है। उसके बाद 15% डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है, और 30% कंटेस्टेड है, यानी कि ना ही तालिबान के पास है ना ही अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो व्हाइट में आपको दिख रहा है ये सरकार के कंट्रोल में है, ये डार्क ब्लू तालिबान, और ये जो लाइट ब्लू है ये ना ही अफगानिस्तान के पास है ना ही तालिबान के पास है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, थोड़ा स्लो लेक्चर था लेकिन ठीक है, आपको एक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल गई। पढ़ते जरूर रहिएगा, बिल्कुल अपडेटेड रहिए, और बिल्कुल शेयर कर दीजिए भैया अगर पसंद आया हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।